नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों का मौसम बदलेगा तो कई जगहों पर भारी ठंड का प्रकोप रहेगा। तो कैसा रहेगा पूरे मध्य प्रदेश का मौसम, कौन से जिले में भारी मौसम में बदलाव होगा, एकदम सही जानकारी, सटीक जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर आप भी मध्य प्रदेश के किसी भी जिले, गाँव या शहर में रहते हैं, यानी कि दोस्तों भोपाल, जबलपुर, कटनी और साथ में सीधी, बड़वानी, ग्वालियर, धार, उज्जैन, हरदा, शिवपुरी, मंदसौर, रायसेन, शाजापुर, विदिशा, श्योपुर, अशोकनगर, सतना, गुना, खंडवा, डिंडोरी, होशंगाबाद समेत किसी भी जिले, गाँव या शहर में रहते हैं पूरे मध्य प्रदेश के, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में मौसम लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, कई जगहों पर भारी से भारी ठंड का प्रकोप है। मौसम विभाग की माने तो ग्वालियर में ठंड की एंट्री है तो कई जगहों पर भारी ठंड पड़ने वाली है। मध्य प्रदेश में ठंड की एंट्री के साथ ही 230 से ज्यादा ठिकानों पर दोस्तों भारी ठंड का प्रकोप है और कई ऐसे भी जिले हैं जहां पर भारी ठंड के कारण कोहरा भी देखने को मिल रहा है और लोगों को दोस्तों जो है अब जो है स्वेटर और जो है कंबल का सहारा लेना पड़ रहा है भारी ठंड के कारण। दोस्तों मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो है लगातार उतार चढ़ाव जारी है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद मौसम में तेजी से बदलाव आ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। इससे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में तेज हवाएं चल रही थी, इन हवाओं से मध्य प्रदेश के तापमान में लगातार गिरावट जारी है और मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में तेज हवाएं चलेगी और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। वही ठंड बढ़ने से लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़ रहे। दरअसल उत्तर भारत में दोस्तों भारी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। इस बार दोस्तों भारी ठंड से लोगों को जो है ठंड का असर दिखाई दे रहा है और मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हो रहा है जिससे मैदानी इलाकों में ठंड का असर बढ़ेगा। और मौसम विभाग में माने तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान, न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट और ठंड बढ़ने के आसार भी जताए जा रहे हैं। इंदौर में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13 है। जबलपुर में अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 13 है। ग्वालियर में अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 12 है और रीवा में अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। चित्रकूट में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री है। उज्जैन में दोस्तों अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के करीब रहने के आसार है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में मौसम तेजी से बदलाव होने की संभावना है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आएगी और भारी से भारी ठंड का प्रकोप देखने को मिल सकता है और लगातार उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। वही दोस्तों जबलपुर में 27-28 के करीब अधिकतम तापमान, तो रात के समय 13-12 के करीब तापमान जा सकता है और तेज हवाएं चलने के साथ भारी ठंड का प्रकोप रहेगा। कटनी में 26-27 के करीब अधिकतम तापमान, तो रात के समय 12-13 और भारी से भारी ठंड का प्रकोप रहेगा। भोपाल में 12-13 के करीब रात के समय तापमान जाएगा, दिन में 27-28 और भारी से भारी ठंड का प्रकोप रहेगा। सीधी में 13-14 के करीब रात के समय, तो दिन में 27-28 और भारी ठंड का प्रकोप रहेगा। बड़वानी में 13-14 के करीब रात के समय तापमान है, दिन में 28-29 और भारी ठंड का प्रकोप है। ग्वालियर में 11-12 के करीब रात के समय तापमान है, दिन में 27-28 और भारी ठंड का प्रकोप रहेगा। धार में 13-14 के करीब रात के समय तापमान है, दिन में 27-28 और भारी से भारी ठंड का प्रकोप रहेगा। उज्जैन में 12-13 के करीब रात के समय तापमान रहेगा, तो दिन में 27-28 और भारी से भारी ठंड का प्रकोप है। हरदा में 13-14 के करीब रात के समय तापमान है, दिन में 28-29 और भारी ठंड का प्रकोप और बादल छाए रहेंगे। शिवपुरी में 12-13 के करीब रात के समय तापमान है और दिन के समय 26-27 और भारी ठंड का प्रकोप रहेगा। मंदसौर, रायसेन, शाजापुर, विदिशा, श्योपुर, अशोकनगर, सतना, गुना, खंडवा, डिंडोरी, होशंगाबाद, सिंगरौली, उमरिया, रतलाम, राजगढ़, देवास, छतरपुर, अलीराजपुर, बुरहानपुर, भिंड, सागर, नीमच, दतिया, पन्ना, शिवहर, रीवा, शिवनी, शहडोल, दमोह, टीकमगढ़, झाबुआ, इंदौर, मुरैना समेत विभिन्न इलाकों पर ठंड का प्रकोप देखने को मिलने वाला है। तो यह था पूरे मध्य प्रदेश का मौसम। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।